हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आपको हम कॉमर्स टेस्ट नंबर 9, जिन्होंने भी अटेंड किया था, लास्ट में कुछ प्रॉब्लम की वजह से पूरे क्वेश्चंस मैच नहीं हो पाए थे, तो जिसके लिए हमें ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो आप सभी लोग, जितने लोगों ने कॉमर्स टेस्ट नंबर 9 अटेंड किया था, यहाँ से आप सारे आंसर्स मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो कि पूछा गया था टेस्ट में। डैश अकाउंट इज क्रेडिटेड एंड डैश अकाउंट इज डेबिटेड इन केस वेजेस आर पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस प्रीमिसेस। व्यवसाय परिसर के निर्माण के लिए मजदूरी का भुगतान किए जाने की स्थिति में डैश खाते में क्रेडिट किया जाता है और डैश खाते से डेबिट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहां पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी। यहां पर हो जाएगा कैश और यहां पर हो जाएगा वेजेस। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी बताया था, अपने एक नंबर काउंट कर लेंगे और लास्ट में हमें बताएंगे आपके कितने आंसर सही हुए थे टेस्ट में। ठीक है, जिन्होंने टेस्ट को अटेंड किया था वो सारे क्वेश्चंस देख लेंगे। द बैलेंस इन अनअर्न्ड रेंट अकाउंट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड रिप्रेजेंट्स लेखा अवधि के अंत में अनर्जित किराया खाते में शेष राशि का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लायबिलिटी। सभी लोगों ने ऑप्शन ए बताया था, तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहां पर एक नंबर काउंट कर लीजिएगा, आर लायबिलिटी। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था टेस्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इट रिप्रेजेंट्स द सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। यहां पर पूछा गया था, आपको सीक्वेंस से बताना था अकाउंटिंग साइकिल। तो सभी लोगों ने यहां पर ऑप्शन सी बताया था, लेकिन यहां पर आंसर सही होगा ऑप्शन ए। जिन्होंने ऑप्शन ए बताया था अपने आंसर सही कर लीजिएगा, और जिन्होंने ऑप्शन सी बताया था अपने आंसर एक नंबर माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, यहां पर ये सही होगा, ट्रांजैक्शन एनालिसिस, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टिंग एंट्रीज। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था टेस्ट में, अमंग दिस ट्रांजेक्शन विच ट्रांजेक्शन विल हैव नो इंपैक्ट ऑन स्टॉक होल्डर इक्विटी। इन लेन देनों में से कौन से लेन देन का शेयर धारकों की इक्विटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहां पर सभी लोगों ने बताया था ऑप्शन बी, परचेज ऑफ द लैंड फ्रॉम प्रोसीड्स ऑफ बैंक लोन। तो यहां पर आप सभी के बिल्कुल सही आंसर है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था, द एंट्रीज रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड टू अपडेट द अकाउंट्स बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नोन एज। वित्तीय विवरण तैयार करने से पहले खातों को अद्यतन करने के लिए अवधि के अंत में आवश्यक प्रविष्टियों को क्या कहा जाता है। तो यहां पर मोस्टली लोगों ने बताया था ऑप्शन बी, लेकिन यहां पर ऑप्शन बी सही आंसर नहीं है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एडजस्टिंग एंट्रीज। तो यहां पर जिन्होंने भी ऑप्शन सी बताया था बिल्कुल सही कर ले एक नंबर, तो यहां पर आंसर सही हो जाएगा सी, और बी वाले अपना एक नंबर माइनस कर लेंगे। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से सारे क्वेश्चन मैच नहीं हो पाए थे, तो आप लोग यहां से करके हमें बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था आपसे, द पीरियोडिकल टोटल ऑफ सेल्स बुक इज पोस्टेड टू। बिक्री पुस्तक का आवधिक योग को पोस्ट किया जाता है। तो यहां पर सभी लोगों ने बताया था ऑप्शन डी, तो बिल्कुल सही आप लोग का आंसर, यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि पूछा गया था एग्जाम में, ऑल द एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम द डेबिटर्स आर रिकॉर्डेड। देनदारों से प्राप्त सभी स्वीकृति को दर्ज किया जाता है। यहां पर सभी लोगों ने बताया था ऑप्शन डी, बिल्स रिसीवेबल बुक। यहां पर सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बिल्स पेबल बुक। जिन्होंने भी ऑप्शन ए बताया था अपने एक नंबर जोड़ लेंगे, और यहां पर बी वाले बिल्कुल गलत हैं, डी वाले। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था एग्जाम में, ऑल एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस इज कॉल्ड। अग्रिम भुगतान किए गए सभी खर्चों को कहा जाता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, पेबल एक्सपेंसेस, एक्रूड एक्सपेंसेस। तो यहां पर सभी लोगों ने बताया था ऑप्शन बी,
जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो क्वेश्चन नंबर 9 मैंने पूछा था, डेबिट नोट इज द बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग इन, डेबिट नोट में रिकॉर्डिंग का आधार है। यहां पर सभी ने बताया था, कुछ लोगों ने परचेस रिटर्न बोला था, कुछ लोगों ने सेल्स रिटर्न बोला था। तो फ्रेंड्स यहां पर सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सी वाले बिल्कुल सही हैं, परचेस रिटर्न। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, अ डॉक्यूमेंट सेंड टू कस्टमर व्हेन ही रिटर्न द गुड्स इज कॉल्ड, ग्राहक को माल वापस करने पर जो दस्तावेज भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं। यहां पर सभी लोगों ने बताया था क्रेडिट नोट, और कुछ लोगों ने बोला था ऑप्शन डी इनवॉइस। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिन्होंने भी क्रेडिट नोट बोला था उनके आंसर बिल्कुल सही हैं, क्रेडिट नोट, इनवॉइस वाले गलत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, पूछा गया था मैसर्स स्टेशनरी मार्ट विल डेबिट द परचेज ऑफ स्टेशनरी टू, मैसर्स स्टेशनरी मार्ट स्टेशनरी की खरीद को डेबिट करेगा। तो यहां पर कुछ लोगों ने बोला था ऑप्शन सी और कुछ ने बोला था ऑप्शन बी। तो यहां पर बिल्कुल सही है सी वाले, परचेज अकाउंट में किया जाएगा, क्योंकि यहां पर स्टेशनरी की क्या हो रही है, परचेज हो रही है, ठीक है, यहां पर स्टेशनरी अकाउंट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12, सभी लोग यहां पर आंसर मैच कर लेंगे, जो भी क्वेश्चन, जो भी टेस्ट नंबर 9 अटेंड किए थे। सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट डील्स विथ आयकर अधिनियम की धारा 10 संबंधित है। तो यहां पर सभी ने सही बताया था ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है, एग्जेम्प्ट इनकम। क्वेश्चन नंबर 13, इनकम टैक्स इज अ, सभी ने बताया था एकदम सही, डायरेक्ट टैक्स, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, इनकम फ्रॉम अ फार्म हाउस इज, एक फार्म हाउस से आय है। तो यहां पर सभी ने बताया था ऑप्शन सी और कुछ ने बताया था ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स यहां पर ऑप्शन जिन्होंने डी बताया था बिल्कुल सही है, सी वाले गलत हैं, यहां पर होगा ऑप्शन डी, एग्रीकल्चर इनकम। क्वेश्चन नंबर 15, सैलरी रिसीव्ड बाय द मैनेजर ऑफ एन एग्रीकल्चर फॉर्म इज, एक कृषि फॉर्म के प्रबंधक द्वारा प्राप्त वेतन है। तो यहां पर कुछ लोगों ने बोला था ऑप्शन बी एग्रीकल्चर इनकम, कुछ ने बोला था ऑप्शन डी बिजनेस इनकम, और कुछ ने बोला था ऑप्शन सी सैलरी इनकम। तो यहां पर ऑप्शन सी वाले बिल्कुल सही हैं, सैलरी इनकम, ठीक है, क्योंकि यहां पर मैंने आपसे बोला था प्रबंधक की सैलरी के बारे में यहां पर बात हो रही है, तो उसको जो सैलरी मिलेगी वो होगी सैलरी इनकम। और लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था टेस्ट में, वह खाता जो व्यवसाय की सकल लाभ या सकल हानि दर्शाता है क्या कहलाता है। तो यहां पर आप सभी के बिल्कुल सही आंसर थे ऑप्शन सी, ठीक है। अब सभी लोग बताएंगे जिन्होंने भी टेस्ट को अटेंड किया था कि आपके कितने आंसर सही हुए थे, हालांकि कुछ नेट की प्रॉब्लम की वजह से सारे आंसर्स मैच नहीं कर पाए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। तो आप सभी लोग इसके कमेंट के बताएंगे, वीडियो के कमेंट में करके, कि आपके कितने आंसर सही हुए थे। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जहां आप इस सभी क्वेश्चन को पीडीएफ में भी देख सकते हैं। तो सभी लोग फटाफट बताएं कमेंट करके, आपके कितने आंसर सही हुए थे आज के टेस्ट में। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिन्होंने भी अटेंड किया था टेस्ट नंबर 9, सभी लोग मैच कर लीजिए सारे आंसर्स, और हमें कमेंट करके बताइए आपके कितने आंसर सही हुए थे। धन्यवाद।